दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप स्पीकर ऑलरेडी डब फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। अगर बात की जाए कुल आवेदनों को लेकर, टीजीटी के अंदर कितने लाख हुए, पीजीटी के अंदर कितने लाख हुए और इसका कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, साथ ही एलटीकेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और एडेड जूनियर के बारे में, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें क्योंकि सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डब फर्स्ट चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के आवेदन की तारीखें दो दिन पहले ही खत्म हो गई हैं। कल भी जब अभ्यर्थी पूछे थे मैंने उनको जानकारी दी थी कि आप कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, आपकी जो आवेदन की समय सीमा थी उसको यहां से खत्म कर दिया गया है। फिलहाल अभी भी कुछ छात्र संगठनों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है क्योंकि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी तरफ से परिणाम घोषित नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए अब तक किए गए आवेदनों के बारे में, क्योंकि 16 तारीख तक अभ्यर्थी अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा निकल कर आया है वो पीजीटी के अंदर लगभग जो आंकड़ा है वो आपका 3 लाख के आसपास जा चुका है। 3 लाख छात्रों ने पीजीटी के लिए आवेदन यहाँ से कर दिए हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। पदों की संख्या यहाँ पर बड़ी मुश्किल से 600 देखने के लिए मिली है। ये आपको कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे कि पीसीएस के अंदर विज्ञापन आता है 400-500 पदों पर और आवेदन उसमें जाते हैं 5 से 6 लाख, इसके अंदर आपको 3 लाख जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको जो कंपटीशन होगा वो बहुत अच्छे लेवल का करना पड़ेगा, चाहे वो पीजीटी के अंदर हो या फिर टीजीटी, जिसकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी उसी को सीट यहाँ से मिलेगी। बस आपको अपनी सीट की तरफ ही फोकस करना है। अब सवाल आता है कि टीजीटी के अंदर कितने आवेदन हो चुके हैं, तो टीजीटी के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, अभी इसमें आवेदन की संख्या और बढ़ेगी क्योंकि 16 तारीख तक आवेदन सबमिट करने की समय सीमाएँ वो दी गई है। लेकिन अभी यहाँ पर टीजीटी के अंदर कुल आवेदनों की संख्या लगभग 11.5 लाख के समथिंग जा चुकी है। 11.5 लाख ने सिर्फ यहां पर टीजीटी के लिए आवेदन कर दिया है। पदों की संख्या की बात की जाए तो 3500 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं सिर्फ यहां पर आपके 11.5 लाख के लिए। अगर आप इसका 3 गुना करेंगे तो 3 गुना का जो आंकड़ा है वो 13 लाख के समथिंग पहुंचेगा, उससे थोड़ा सा कम आपके जो आवेदन मिले हैं। अगर अनुमान के आधार पर समझा जाए तो 12.5 लाख के आसपास जो आवेदन है वो टीजीटी में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी तक जो आंकड़े निकले हैं चयन बोर्ड के माध्यम से, एक बार जैसे ही आप सभी के आवेदन की तारीखें समाप्त हो जाएंगी उसके बाद में लिखित रूप से सब्जेक्ट वाइज आवेदन की जानकारियाँ दे दी जाएंगी और उसके आधार पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अब आप सभी ने देखा कि लगभग मिला जुलाकर दोनों टीजीटी और पीजीटी के 15 लाख के आसपास आवेदन हो चुके हैं और 15 लाख जब आवेदन आपके सामने निकल कर आएंगे तो इस बात को कहने में कोई दोराय नहीं है कि कट ऑफ जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पिछली बार भी इतने ही आवेदन हुए थे और सीटों की संख्या 15,000 थी, इस बार सीटों की संख्या 5,000 भी नहीं है, तो पिछली बार के मुकाबले 3 गुना जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकती है। अब इसका मतलब आप सभी अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछली बार के जो टॉपर होंगे वो इस बार भर्ती के अंदर संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे और कह सकते हैं कि बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो आगामी समय के अंदर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इस बात को ध्यान रखें कि कॉम्पिटिशन को लाइटली ना लें, अपनी प्रिपरेशन को करते रहें, किसी अन्य मुद्दे भटकने के बजाय अपनी प्रिपरेशन को समय दें तभी आपको सीट मिलेगी। और कट ऑफ का जो आप सभी का मामला है वो सीटों की संख्या, पेपर का पैटर्न और छात्रों की संख्या पर डिपेंड करता है कि कितने छात्रों ने परीक्षा को दिया, पेपर का पैटर्न कैसा था और उसके बाद में किस प्रकार की यहाँ से धांधली या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें देखने के बाद ही कट ऑफ डिसाइड होती है। लेकिन जितने ज़्यादा आवेदन होंगे कट ऑफ उतनी ज़्यादा ही जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 9000 नई एलटीकेट शिक्षक भर्ती को लेकर। कल दोस्तों मैंने आप सभी को जानकारी दी थी एलटीकेट शिक्षक भर्ती के बारे में, जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि एलटीकेट शिक्षक भर्ती को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी 9/4/2018 को। उसकी सुनवाई यहाँ पे अभी तक देखने के लिए नहीं मिली थी क्योंकि एलटीकेट शिक्षक भर्ती के अंदर जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके आधार पर सरकार का कहना था कि हम उसी के आधार पर जो नियुक्तियाँ वो करेंगे। लेकिन उसके बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। काफ़ी लंबे समय तक मामला लटकने के बाद में आज की तारीख में इस मामले की सुनवाई देखने के लिए मिली, जहाँ पर लिखा हुआ है 13 जुलाई 2022। आज इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए लगभग लंबी मैराथन सुनवाई के बाद में लगभग 2 घंटे सुनवाई देखने के लिए मिली, जहां पे याची पक्ष की तरफ से बताया गया कि अभी एलटीकेट भर्ती को लेकर आयोग को खुद जानकारी नहीं है कि समकक्ष योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि नई भर्ती के विज्ञापन के लिए भी आयोग ने ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दी है। तो याची के जो अधिवक्ता थे उनके माध्यम से बताया गया कि आयोग कहीं ना कहीं समकक्ष योग्यता के विवाद को लेकर अभी खुद से कन्फ्यूज है, तो ऐसे में जो यहाँ से कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएँ और ऐसे कहीं ना कहीं एलटीकेट के अभ्यर्थी जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है उनको यहां से जो राहत है वो दे दी जाए।
फिर इसके बाद दूसरा मामला ये भी देखने के लिए मिला जो कि था सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से। सरकारी अधिवक्ता ने बहस करते हुए यहाँ पे जानकारी दी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके अंदर जो योग्यताएं लिखी हुई थी उसके आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी। अगर उसके अंदर उस विज्ञापन में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो उससे पहले वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहना चाहूँ तो सरकार की तरफ से एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आज की तारीख में हाईकोर्ट में जवाब दिया गया वो कुछ ऐसा ही जवाब था जब विज्ञापन जारी करते समय दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे विज्ञापन के समय वो कहते हैं कि हमारे पास समकक्ष योग्यता को लेकर जवाब आएगा तब हम विज्ञापन जारी करेंगे। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ से कोर्ट की तरफ से देखने के लिए मिला। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि जो विज्ञापन जारी हुआ था उसी के सापेक्ष हम यहाँ से जो नियुक्तियां हैं वो करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से अगर इस याचिका पर फैसला आ जाता है तो 9000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी यहाँ से जल्द जारी हो जाएगा। फिलहाल आज की तरफ से जो कोर्ट ने आदेश दिया है एलटी गेट भर्ती को लेकर उसमें उन्होंने अगली तारीख 20 लगा दी है। 20 तारीख को सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, फिर उसके बाद छात्रों की तरफ से जवाब दाखिल होगा और उसके अंत में हाईकोर्ट के माध्यम से अपना जो अंतिम फैसला है वो सुना दिया जाएगा। आज कोर्ट ने आदेशित किया है कि एलटी गेट की समकक्ष योग्यता के संबंध में अपना जो स्पष्टीकरण है वो फाइल किया जाए और उसके बाद जो भी संभव हो सकता है उसके बारे में जल्द से जल्द जो फैसला है वो कोर्ट के माध्यम से सुनाया जाएगा। अब एलटी गेट के विज्ञापन के बारे में दो बातें आप जानते हैं, या तो सरकार इस विज्ञापन को लेकर यहां से स्पष्टीकरण कर दे समकक्ष योग्यता, या फिर कोर्ट। दोनों से जैसी हरी झंडी मिलेगी नई एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन कभी भी जारी हो जाएगा। आज जो भी सुनवाई हो इसकी जानकारी दे दी है, अगली सुनवाई 20 को होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी प्रतीक मिश्रा की तरफ से। प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो याचिका दाखिल हुई थी उसमें जो पुरानी बेंच थी उसके अंदर एक बड़ा कुछ आदेश आपको देखने के लिए मिला था। 2 से 3 सुनवाइयाँ हुई थी। पहली सुनवाई के अंदर बीएड के प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई, यूपी टेट के सभी प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई। दूसरी सुनवाई देखने के लिए मिली तो सरकार से जवाब मांग लिया गया। सरकार के जवाब के बाद में तीसरी जब सुनवाई हुई तो एनसीटीई से जवाब मांग लिया गया। और इस पूरे मामले को अगर आप समझें तो वो बेंच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी बीएड के खिलाफ। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर करने को लेकर कोर्ट से जारी नोटिस को अगर देखें तो यहाँ से एक बड़ा बदलाव हुआ है जो कि छात्रों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा। लेकिन मैं आप सभी को यहाँ से दिखा दूँ, 15/12/2022 आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है। कल की तारीख में इसको लेकर यहाँ से जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है कि जो पहली सुनवाई हुई थी वो 16 फरवरी को हुई थी और जो अगली सुनवाई होगी वो 14 जुलाई 2022 को होगी। कोर्ट नंबर 35 के अंदर बेंच नंबर सीएल नंबर 44 पर आपको देखने के लिए मिलेगी। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है, प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप सभी के सामने जो जजेस देखने के लिए मिलेंगे वो विवेक वर्मा जी देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब यहाँ पर जो बेंच है वो चेंज हो चुकी है और अब ये नए जज आ चुके हैं। और किसी भी केस के अंदर अगर बेंच में बदलाव होता है तो ये काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। और कोई भी जब नए जज आते हैं तो उस मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। हर एक जज का अपने विवेक पे आधारित कहने के जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। पिछले जो जज दिखाई दे रहे थे वो बीएड के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। अभी तक 3 आदेश जारी किए गए थे, तीनों आदेश बीएड को झटका देने वाले थे। एक में सरकार से जवाब मांगा, दूसरे में एनसीटी से जवाब मांगा, पहली सुनवाई में बीएड के ऊपर स्टे लगा दिया। अब यहाँ पर जो नए जज आए हैं वो कल की तारीख में सुनवाई करेंगे। अब जो बीएड के अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा फोकस होगा वो यही होगा कि यूपी ईटी के ऊपर जो स्टे लगाया गया है उसको यहाँ से कैसे भी करके हटवाया जाए और उसके बाद में जो भी यहाँ पे बीएड बनाम बीटीसी का मामला है जब तक सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाता तब तक कोई फैसला कोर्ट के माध्यम से ना दिया जाए, ऐसी तैयारी बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स के माध्यम से इस मामले पर और भी कई आदेश लाने के प्रयास कल की तारीख में किए जाएंगे। अब देखना होगा कि नए जज के माध्यम से किस प्रकार का अप्रोच देखने के लिए मिलता है, क्या वो बीएड की तरफ जाते हैं या फिर बीटीसी की तरफ, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। मैंने कल ही और सुबह एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे छात्रों के सवाल थे कि सर एडेड जूनियर को लेकर आपने बताया कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर कम ज़्यादा हो गए थे, किसी अभ्यर्थी के नंबर 4-5 कम हुए तो किसी के 20 नंबर तक कम चले गए, है ना। अब इसको लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि जो नया संशोधित परिणाम जारी होगा क्या उसके अंदर ऐसा होगा कि सभी के नंबर कम ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर जो पीएनपी के माध्यम से आंसर की जारी की गई थी उसी के आधार पर नंबर देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकती पीएनपी कि जो आपने उत्तर कुंजी के हिसाब से आपको नंबर मिले हो उसमें कोई बदलाव हो जाए। तो इस बात को मैं आपको बता दूं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम जारी होगा
वो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से जारी की गई उत्तर कुंजी के आधार पर ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि कहीं हमारे नंबर कम ना हो जाएं, घोटाले के चलते हमारे नंबर ज़्यादा ना हो जाएं या फिर कम ना हो जाएं, अलग अलग प्रकार के सवाल अभ्यर्थी पूछ रहे थे। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की आंसर की जारी की गई थी, सारे परिणाम उसी के आधार पर जारी किए जाएंगे। अगर आपके नंबर उस समय 110, 120 या 130 थे तो आपके इतने ही होंगे, लेकिन अगर आपके आंसर की पर मिलाने पर 110 नंबर आ रहे थे, लेकिन जब आपका परिणाम घोषित हुआ वहां पर आपके नंबर 100 निकले, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आपके नंबर 100% बढ़ जाएंगे, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा कि आपकी उत्तर कुंजी मिलाने पे नंबर 110 थे लेकिन घोटाला करके आपने 130 ले लिए, हालांकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके नंबर 110 ही होने चाहिए, क्योंकि अभी जो आपका परिणाम जारी होगा वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जारी की गई रिवाइज आंसर की के आधार पर ही होगा। तो इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि आपके नंबर कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है आपकी आंसर की। आंसर की से मिलाने पर आपके जितने भी नंबर बनते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपका इतने पर ही परिणाम घोषित होगा, क्योंकि जिन छात्रों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी उनको भी आंसर की से ही पता चला था कि उनके नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे और ज़्यादा निकले भी। तो इस बात को लेकर परेशान बिल्कुल मत होइए, पीएनपी के माध्यम से परिणाम को लेकर सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं, जल्द परिणाम घोषित होगा, बस इंतजार है शासन की तरफ से निर्देश का। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब।